नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस क्लासों को आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है एक मोटिवेशनल लाइन के साथ में कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा सकती नहीं। इसी के साथ में आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। और पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज राजस्थान में, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम आज संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर को लेने के बाद में आपको पुनः इस क्लास को देखना ना पड़े, क्योंकि ये आपको पूर्णतः संतुष्ट करने के काम करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है, किन देशांतरों के मध्य है, उसके बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ये आती है हमारे कि राजस्थान की स्थिति को किन किन के माध्यम से पढ़ा जाता है। हम राजस्थान की स्थिति को दो तरीके से पढ़ेंगे स्थिति को। पहला पढ़ेंगे हम अक्षांशीय दृष्टि से, और दूसरा पढ़ेंगे हम देशांतरीय दृष्टि से। हम राजस्थान की स्थिति को जानेंगे अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से कि राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, राजस्थान किन देशांतरों के मध्य स्थित है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे विस्तार का। तो विस्तार के लिए अब राजस्थान का विस्तार क्षेत्रफल कितना है, इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं और इसकी आकृति कैसी है, हम विस्तार में इन तीनों को पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, दूसरा पढ़ेंगे हम इसकी आकृति के बारे में कि राजस्थान की आकृति कैसी है, और तीसरा पढ़ेंगे हम इसका पहला क्षेत्रफल, दूसरा आकृति, और तीसरा पढ़ेंगे हम इसकी सीमाओं का अध्ययन कि राज्य किन राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है और कितने राज्य की सीमाएं हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले अक्षांशीय दृष्टि से। पूछा जाता है कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो शुरुआत करते हैं हम अक्षांश के साथ। अक्षांश, हम सभी को यह पता है कि अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। अब अक्षांश की दृष्टि से पहला पूछा जाता है कि राजस्थान किस गोलार्ध में है। तो यह हमारी पृथ्वी है, और यह 0 से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजर रही है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर वाले जो सभी भाग हैं वो उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से जाने जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण वाला पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाएगा। अब हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा राजस्थान स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। हमारे राजस्थान को अगर हम लोकेटेड करना चाहें तो यहाँ स्थित है, यह हमारा राजस्थान है, यह हमारी ग्लोब है या पृथ्वी है, जिस पर हमने देखा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको लिख देते हैं अक्षांशीय दृष्टि से। अक्षांशीय से देखा जाता है तो राजस्थान किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब राजस्थान का विस्तार है वो किन अक्षांशों के मध्य है, हम उसको जानेंगे। राजस्थान, जैसे ये हमारा
राजस्थान है। अब राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से कितना विस्तारित है, किन अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर हम 0 डिग्री से 1, 2 ऐसे उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर चलते हैं, तो अब हमारे राजस्थान की स्थिति आती है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी अक्षांश। तेईस डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, कितना है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये एग्जाम में हमेशा याद रखना, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए वो देगा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तब ये देखना है हमें कि ये भी उत्तरी अक्षांश है और ये भी उत्तरी अक्षांश है। इसका कारण मैं बता चुका हूँ कि जो पृथ्वी है भूमध्य रेखा से ऊपर वाले जितने भी सभी अक्षांश हैं उनको उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिण वाले अक्षांश हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसीलिए 23 डिग्री 3 मिनट से 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के हमारा राजस्थान 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। अब राजस्थान यहाँ से और यहाँ तक आने में कितने अक्षांशों का अंतर पाया जाता है, तो 23 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट में हमारा अंतर पाया जाता है 7 डिग्री 9 मिनट का। यानी कि जो हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, इनके मध्य हमारे राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। अब दूसरा पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो हम पहले दिशाओं का निर्धारण कर दें, ये हमारी उत्तर वाली दिशा है, ये हमारी दक्षिण वाली दिशा है, ये हमारी पूर्व वाली दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। हम इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान की लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई ज़्यादा है। तो आपको याद रखना राजस्थान लंबा कम और चौड़ा अधिक है। राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी जाती है तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, और राजस्थान का विस्तार हमने देख लिया 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और जो अक्षांश महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान से गुजरता है वो है 23 डिग्री, यह हमारा दक्षिणी राजस्थान है। यहां से 23 डिग्री 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा गुजर रही है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ये अब राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर वाले के एरिया को थोड़ा सा टच करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है और इसकी राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान से जो कर्क रेखा गुजरती है उसकी लंबाई 26 किलोमीटर है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। अब राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ से यह सभी उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। कल हमने पढ़ा था तापमान पेटियों में उष्ण कटिबंध। अगर आपको अक्षांश और देशांतरों की और बेहतर जानकारी चाहिए तो वो हमारी प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आप जाकर देख सकते हो, उसमें अक्षांश और देशांतरों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो जो अक्षांश से जो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री तक का क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, और जो 23 डिग्री से 66 साढ़े 66 डिग्री का क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, यानी उष्ण और शीत दोनों उसमें कंबाइंड होते हैं। तो ये हमारे अक्षांश थे जो महत्वपूर्ण थे। अब इनमें यह पूछा जाता है कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है,
तो इसमें पूछा जाता है कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर एक गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। और कोणा गांव किस जिले में है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में स्थित है, जो कि हमारे राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है। कोणा गांव श्री गंगानगर से नीचे हमारे बोरकुंड बांसवाड़ा तक, ये नीचे एक स्थान है बोरकुंड। सॉरी, बोरकुंड बांसवाड़ा तक। ये पूछा जाता है कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणा गांव श्री गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक। यहाँ तक समझ में आ गया? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और बोरकुंड बांसवाड़ा से लेकर के कोणा गांव श्री गंगानगर तक 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के बीच स्थित है। अब हम देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं कि राजस्थान का विस्तार देशांतरीय दृष्टि से किन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो पुनः हम राजस्थान बनाएंगे। अब देख लिया हमने अक्षांश लंबाई में, अब देशांतर खड़ी रेखाएं जो होती हैं उनको हम देशांतर के नाम से जानते हैं। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। अब अक्षांश, अब देशांतरीय दृष्टि से देखा जाता है तो फिर पूछा जाता है कि राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इसके जो वाले क्षेत्र हैं वो पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाने जाते हैं, और ये वाला क्षेत्र है वो पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है, इस वाले क्षेत्र में हमारा राजस्थान है। तो आप देख सकते हो कि जो राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है, वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध, ये हमारा राजस्थान, राजस्थान है वो पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरीय दृष्टि से देखा जाता है तो हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, वो है हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित। अब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ से गिनना करें, प्रारंभ करते हैं हम 0 के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते हम आ जाते हैं यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट, तब जाकर के हमारे राजस्थान की सीमा स्पर्श करती है। यानी कि हमारे राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जो देशांतर है वो है 69 डिग्री 30 मिनट। जो अब इसको हम पश्चिमी नहीं कहेंगे, भले से हमारे राजस्थान की दिशा पश्चिमी है लेकिन हम इसे पश्चिमी नहीं कहेंगे। कारण, क्योंकि ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक हमारे राजस्थान का विस्तार है। 69 30 से 78 17 तक हमारे राजस्थान का विस्तार पाया जाता है, और इनमें जो अंतर पाया जाता है वो 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि जो पूर्व से लेकर के पश्चिम का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट, ये हमारा देशांतरीय विस्तार। दूसरा पूछा जाता है कि अब राजस्थान की पूर्व से लेकर के पश्चिम की दूरी कितनी है। तो दूरी हमने अभी पहले पढ़ा था कि राजस्थान लंबा कम और चौड़ा अधिक है, तो 869 किलोमीटर, ये हमारे राजस्थान की पूर्व से लेकर के पश्चिम की दूरी है, और इनका देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और इसके आप ध्यान रखना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको ये कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर कि आपको ये पूर्वी की जगह यहाँ पर पश्चिम दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि पूर्वी देशांतर है, इधर भी हमारा पूर्वी देशांतर है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। याद सभी को होता है, वहाँ पर जाके सॉल्व सभी करते हैं, लेकिन समस्या यही होती है वहाँ पर कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो उस वक्त आपका दिमाग कितना शांत होता है और किस शांत दिमाग के माध्यम से आप इनको सॉल्व करते हो। 69 डिग्री 30 भी लिखा रहेगा, यहाँ पर पूर्व की जगह पश्चिम लिख देगा तो हमारा सवाल गलत
हो जाएगा, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये तो था हमारा देशांतरीय। अब इनसे पूछा जाता है कि पश्चिम और पूर्वी बिंदु कौन से हैं। तो पश्चिम और पूर्वी बिंदु हमारे हैं, इधर पूर्व में है हमारा सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, जिला धौलपुर। यह हमारा पूर्वतम बिंदु है। तहसील इसको याद रख सकते हो आप, तहसील है ये हमारी। वैसे पूछा नहीं जाता, यही पूछा जाता है कि या तो पूर्वतम जिला पूछ लेंगे या फिर ये पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील और जिला धौलपुर। अब पश्चिमी पूछा जाता है तो वो है हमारा कटरा गांव, सम तहसील और जिला जैसलमेर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि राजस्थान का जो पूर्वतम बिंदु है सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, जिला धौलपुर से कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर तक हमारे राजस्थान का विस्तार है। लंबाई हमने पहले पढ़ ली 869 किलोमीटर। इनका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। हमें पता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का वक्त लगता है, तो पूर्व से पश्चिम तक जाने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा हमारा 35 मिनट 8 सेकंड। इतना समय हमें पूर्व से पश्चिम में जाने में लगता है, यानी कि इतना समय हो जाता है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हो गए हमारे अक्षांश और देशांतरी से कि राजस्थान का विस्तार किन किन अक्षांशों के मध्य था और किन देशांतरों के मध्य स्थित था। अब हम विस्तार पढ़ते हैं। तो विस्तार के लिए आपको पहले बता दिया मैंने कि विस्तार किस हिसाब से पढ़ना है। हमने 3 टॉपिक लिखे थे कि सबसे पहले विस्तार में हम राजस्थान का क्षेत्रफल जानेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 74 और लगा लो आपको, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि 342,239 वर्ग किलोमीटर तो सभी को पता रहता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इसको ये पॉइंट में पूछ लेता है कि पॉइंट कितना है। तो याद रखना 342,239.74 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है जो पूरा कवर करता है। दूसरा, इसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति के संबंध में एक वैज्ञानिक हुए थे टी एच हैंडले साहब ने कहा था कि जो हमारा राजस्थान है उसकी आकृति है, इंग्लिश में बोलो तो रोम्बस और हिंदी में बोलो तो विषमकोणीय चतुर्भुज। कभी वो हिंदी वर्ड यूज ना करके सीधा अंग्रेजी वर्ड यूज कर लेता है। तो आपको याद रखना है जो राजस्थान की जो आकृति है वो विषमकोणीय चतुर्भुज या रोम्बस है। यहाँ तक समझ में आएगा। अब क्षेत्रफल में एक और देखा जाता है कि यह क्षेत्रफल इंडिया के सापेक्ष में कितना है, भारत के सापेक्ष में कितना है, भारत राजस्थान का कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, वो है हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है तो पहले स्थान पर आता है। दूसरा, कितना प्रतिशत रखता है, तो भारत का 10.41% हमारा राजस्थान रखता है। जो क्षेत्रफल है उसमें हमारा राजस्थान पहले स्थान पर आता है, और ये पहले स्थान पर आता है 1 नवंबर 2000 से, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके बाद में ही हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आना प्रारंभ हुआ, और ये हमारे भारत का 10.41% हिस्सा रखता है। अगर विश्व के सापेक्ष में पूछा जाता है कि विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, तो यह रखता है 0.25%। यह हमारा राजस्थान विश्व का क्षेत्रफल में हिस्सा रखता है। तो क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा, 342,239.74 वर्ग किलोमीटर भारत के सापेक्ष में पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और यह राज्य बना 1 नवंबर 2000 से।
भारत का जो प्रतिशत में हिस्सा रखता है वो रखता है 10.41% और विश्व में 0.25%। आकृति देखिए, टी एच हैंडले साहब ने कहा था कि इसकी आकृति रोम्बस की या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और देखा जाता है इसकी सीमाओं, हम सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो हमारा राजस्थान दो सीमाएं निर्धारित करता है, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा और एक इंटर स्टेट बाउंड्री यानी अंतर्राज्यीय सीमाएं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में। तो हमारे राजस्थान से जो एक देश सटा हुआ है उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे राजस्थान की सीमा बनाता है। और ये राजस्थान के साथ सीमा कितनी बनाता है? तो ये हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर यानी 1070 किलोमीटर की। अब इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस रेखा को नाम से जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये रेड क्लिफ रेखा का नाम का निर्धारण किसने किया? तो इसका निर्धारण किया था, यहाँ देख सकते हैं हम, इसका निर्धारण किया था सर सिरिल रेड क्लिप ने। सर सिरिल रेड क्लिप ने 17 अगस्त 1947 को यह हमारे राजस्थान की सीमा का निर्धारण किया गया था। और यह सीमा हमारे राजस्थान की कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब पूछ लिया जाता है कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है? ये तो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब कुल स्थलीय सीमा, तो कुल स्थलीय सीमा है हमारी 5920 किलोमीटर। हमारी कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें से ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है? ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को किया गया था। कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। अब ये हमारे उत्तर में प्रारंभ होती है, यहाँ तक पश्चिम तक आती किस तक है? तो ये आती है हमारे हिंदू मलकोट से बाकासर बाड़मेर तक, यहाँ तक और इधर यहाँ तक, बाकासर बाड़मेर तक। ये हमारे राजस्थान के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर बाकासर बाड़मेर तक स्पर्श करती है। अब इसमें राजस्थान के चार जिले स्थित हैं। सबसे पहला है हमारा श्रीगंगानगर, चलो नए पेज में देख लेते हैं इसको, कौन कौन से जिले हैं। तो हमने यहां से देखा था हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर के बाकासर बाड़मेर तक आती है। बाकासर बाड़मेर, इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, श्रीगंगानगर में स्थित है ये। यहाँ से 1, 2, 3 और 4, ये हमारे राजस्थान के चार जिलों को स्पर्श करती है। हमने इसकी पढ़ लिया, इसकी लेंथ है 1070 किलोमीटर या 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। पहला हमारा है श्री गंगानगर, दूसरा है हमारा बीकानेर, तीसरा है हमारा जैसलमेर, और चौथा है हमारा बाड़मेर। ये हमारे चार जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। सर्वाधिक करती है 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ में, और 210 श्रीगंगानगर के साथ में, 168 बीकानेर के साथ में, और 228 किलोमीटर बाड़मेर के साथ हमारी ये सीमाओं का निर्धारण करती है। और इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री। अब पंजाब के देखा
पाकिस्तान के देखा जाता है, पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, एक तो पंजाब और दूसरा सिंध। इसके ये दो प्रांत हैं वो हमारे राजस्थान के इन चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अब इसके जो ज़िले हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इससे पहले हम हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसको जान लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा हमने पढ़ लिया है, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो हमारी अंतर्राज्यीय है। ये कौन सी है? अंतर्राज्यीय रेखा। अब इस पर हमारे पांच राज्य सीमा बनाते हैं। जो भारत के पांच राज्य हैं वो हमारे राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ये यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक आती है। सर्वप्रथम बनाता है पंजाब, दूसरा हरियाणा, हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा एमपी और पांचवा गुजरात। ये पांच राज्य हमारे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे अधिक बनाता है 1600 किलोमीटर हमारा एमपी, जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है। सबसे कम बनाता है पंजाब 89 किलोमीटर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आगे की कक्षाओं में इनके साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री पर कौन सीमा स्पर्श करता है और अंतर्राज्य पर कौन कौन से जिले सीमा करते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।